कोई है? 0% इस चीज के बारे में आज लाइव रिव्यू करता हूँ। छोटा है तो बहुत जल्दी रिव्यू हो जाएगा। रास्ते पे लिया था अपनी बाइक के लिए तो हाँ ओके, दो लोग सात लोग। हेलो सुशील लिंबू, इसका रिव्यू करना चाहता हूँ लाइव। छोटा है आखे, क्या लिख रहे हैं आप? हाय ब्रो, माय राइड माय प्राइड। पल्सर NS 200 नेक्स्ट पार्ट। श्रेयस होम हेलो। मोहम्मद शाइक हाय। आशिक, इसका रिव्यू करना चाहता हूँ। ये जो 18:1 विथ टॉर्च स्क्रू ड्राइवर, इतने सारे हैं इसमें, ये देखो। ये छोटा वाला, ये इससे छोटा, इससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये खुल सकता है। छोटा सा स्क्रू ड्राइवर कुछ है, ये फ्लैट, और ये घुमाएंगे तो ऐसा स्टार। और इसमें टॉर्च भी है, एक मिनट, इसमें टॉर्च भी है। अगर ऐसा रख के घुमा रहे हैं बोले तो इधर से तीन शेल्स बैठते हैं इसके अंदर ऐसा पॉप। इसके पीछे सी तीन शेल आता है इसके अंदर। यह है 18:1 ऑल सेट स्क्रू ड्राइवर। 150 बोल रहे थे, बार्गेन करके 100 रुपीज़, और उसके बाद और एक 90 रुपये में ख़रीदा स्क्रू ड्राइवर चार्ट। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। RX 100 माइलेज सेटिंग का वीडियो। हाँ, एक गाड़ी है अपन के दोस्त के पास, वो बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे गाड़ी लेके आने के लिए सर्विसिंग के लिए, तो उस टाइम पे मैं बनाता हूँ विद इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक। चैट क्यों हजम हो जरा इसमें? ओके हाय राइडर्स 19 साहिल शर्मा भाईजान, सलाम वालेकुम सलाम। क्वालिटी कैसा है ये? अच्छा है सुशांत सिंबू लिंबू, सॉरी तुम बोलो अभी, मेरे को तो अच्छा है। इसमें फिल्टर भी कर सकते हैं, ये जो फिल्टर, ये एक फिल्टर, ये एक फिल्टर, ये एक फिल्टर, ये अच्छा है, ये एक फिल्टर, ये एक फिल्टर। ओके, एडवांटेज ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल देन कार्बोरेटर। कार्बोरेटर अच्छा लगता है हमें, हम खुद काम कर सकते हैं। फ्यूल इंजेक्टर खराब हो गया तो सर्विस सेंटर ही जाना, वो डिसएडवांटेजेस है, लेकिन अच्छा काम करता है। कहाँ चार्ट क्यों हजम हो जा रहा है? चार्ट हजम क्यों हो रहा है? वही, मेरे पास FZ 16 है, 250 का चलना है पड़ेगा। के रास्ता अच्छा ही, मुझे क्या क्या देखना चाहिए राइट से पहले? आई एम फ्रॉम नेपाल। अच्छा, उसका अलग सा वीडियो बनाता हूँ, कैसे आप प्रिपेयर होना राइडिंग के लिए, ये राइडिंग के लिए। और ये चार्ट क्यों हजम हो जा रहा मालूम नहीं। ओके, राइडिंग के लिए कैसा प्रिपेयर होना, क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसा टूल्स मेंटेन करना गाड़ी के लिए जब आप रोड पे रहते हैं। ओके एक मिनट। हेलो नमस्कार, अच्छा बोलिए। कार्बोरेटर लोगे?
कुछ नहीं है, वो जो भी था पूरा सेल हो गया। एक सुनो, अभी मैं लाइव में हूँ, मेरे सब्सक्राइबर से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ एक वन आवर बाद फ़ोन करो, ठीक है? हम डिटेल से बात करते हैं। हाँ ठीक, ओके। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, कौन सी गाड़ी है वंशी? हेलो भाई, हेलो अश केंचुंग रिजवान, आप बेस्ट क्वालिटी वीडियो बनाते हो भाई, टिप्स भी यूज़फुल देते हो, थैंक यू। जो हमारा काम है, अलग सा रहना है, अलग सा चीज़ बनाना है, अलग सा रहना है। 100 आदमी के बीच में खड़ते हैं बोले तो हमारा जो कुछ भी रहता है तो अलग सा रहना है। चेंज फिल्टर, ओके सॉरी सॉरी, ओके। कितना क्या है? हाय भाई संप्रीत पी, हाय वंशी, वंशी हाय एक्टिवा। ये चैट भी स्लो क्यों हो रहा है मालूम नहीं। वंशी वंशी अन्ना, सिम्टम्स ऑफ पिस्टन रिंग्स फेलियर, सीज हो के रहता है पिस्टन और सिलेंडर, दो को चुम्मा ले लेती है तो गैप आ जाता है, तो कंप्रेसर लीक हो जाता है, नीचे का ऑयल ऊपर आ जाता है, कंबशन में पेट्रोल और फ्यूल ऑयल दो भी मिल के बर्न होके धुआं बन के बाहर आता है, तो उसको देख लेना। एक्टिवा हाय 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 वंशी, हाय क्वेश्चंस प्लीज। अरे लाइक करो इस वीडियो को, ओके। சூப்பர் அப்துல்லாவா, ஆர் சூப்பர், என்ன பாய் சாப்பிட்டீங்களா? ஹலோ பாய், ஐ எம் அலீம், டேக் ஹேண்ட்ஸ், ஓகே ஹலோ। ஆக்டிவா கா பேட்டரி நயா ஹே பட் சார்ஜ் நீ ஹோ ரஹி ஹே, ரெக்டிஃபையர் செக் கரோ ஆர் ஆல்டர்னேட் மே ஜோ கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஹோதா உதர் உஸ்கா ஜோ காயில் ஹோ வோ செக் கரோ। इंजन बनाने कितना पैसा होता है? कौन सी गाड़ी है? टेल अस समथिंग अबाउट योर न्यू शॉप एंड फ्यूचर वर्क। माई राइड, माई राइड, माई प्राइड, ओ नाइस नेम। हाँ अभी तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है बोले तो, टू बी ऑनेस्ट, फाइनेंशियली जो भी अभी गैरेज खरीदना बोले तो एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, वो सेटिंग पे थोड़ा उधर इधर घूम रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो हो जाएगा जल्दी से। नया गैराज, नई सेटिंग, नए नए वीडियोस, फ्यूचर में फ्यूचर का डर नहीं, अपने आप आ जाता है, हमारे को सिर्फ काम करना है, अच्छे तौर से काम करना है, हमारी क्वालिटी नहीं छोड़ने का बस, बहुत जल्दी से। भाई आप वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थैंक यू, टेक हैंड्स। वंशी वंशी एक्टिवा का इंजन आना, पूरा इंजन, इट कॉस्ट 5,000 रुपीज़ मेरे हिसाब से, वेरी गुड। 135 NS शबीर RX 135, हाँ बोलो, हाँ बोलो, दैट्स माई यूट्यूब चैनल। विच वन? आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है? माई राइड माई पायर, सॉरी माई राइड माई प्राइड। अच्छा लिंक इस पे छोड़ो ना, वो दूसरे सब्सक्राइबर भी आपका जो चैनल देख सकें, इस पे छोड़ो। एक्टिवा का इंजन रिपेयर कॉस्ट आना प्लीज़ बोलो ना, वही विद इन 5,000 हो जाएगा सब कुछ, क्रैंक पिस्टन सब कुछ, और मैकेनिक लेबर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कॉस्ट करते हैं, मेरा तो 1,000-1,500 लेता हूँ। हाँ बोलने के लिए ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ पूछो क्वेश्चन, कोई बात नहीं। इसमें ये जियो का सिम है, 2 GB ऐसे ही पड़ा है, इसको ख़त्म कर देते हैं आज। और एक बात, मैं कभी ये लाइव चैट डिलीट नहीं करता, लाइव लाइव चैट का जो प्लेलिस्ट आता है, ये बमड़ी मार रहा, रुको, ये कैसा पता है ये
बैल को हकालते हैं इधर बमड़ी मार के, हे हो, या आजू बाजू बगल वाले घबरा के बाहर आ जाते हैं। कीप अप लोड वीडियो रेगुलर ब्रो, बी मोर, थैंक यू तेंजिन। कैसे हो तेंजिन भाई? ये चैनल का नाम दूसरा रखो, सर्च करते वक्त जल्दी मिलता नहीं, कुछ यूनिक सा रखो। अच्छा, उसके बारे में सोचता हूँ, तुरंत नहीं होता, बारिश आने वाला है अभी। अभिषेक आरा, हेलो, हाय संजय, हाय ब्रो, और व्हाट अबाउट यू? या अच्छा हूँ, देखो ऐसा हूँ, हेल्दी। रेजडार का ऑयल ड्रेन नट स्लिप हो गया, क्या करूँ, सोल्यूशन बताओ। अच्छा, उसको क्या करना, अगर आपके पास टॉर्च है, हीटिंग टॉर्च बोले तो, थोड़ा गर्म करो वो जो बोल्ट को, गर्म करके एक हम छनी बोलते हैं, एक टूल रहता है सामने, स्क्रूड्राइवर टाइप, फ्लैट स्क्रूड्राइवर टाइप रहता है, उससे मारता हूँ तो, टैप करता हूँ तो आसानी से खुल जाता है, ऐसा ट्राई करो। कहाँ गया वो? अच्छा, कोई मैसेज छोड़े। हेलो सर, आई एम तनय चटी फ्रॉम गोवा, आई हैड कॉल यू बट यू, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सॉरी, वन आवर के बाद फ़ोन करो, मैं उठाता हूँ। बैग पे पड़ा रहता है या गाड़ी पे रहता है या कहीं, फ़ोन कॉल्स मिस हो जाते हैं तो सॉरी। हाई कॉस्ट ऑफ पल्सर 220 पिस्टन सिलेंडर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना होगा? सिर्फ पिस्टन का 800-900 रुपये लगता है, लेबर चार्ज भी अलग से मांगते हैं, सिर्फ पिस्टन का 800-900 रुपये लगता है, ब्लॉक नहीं। अन्ना, आपको वीडियो मेरे को बहुत पसंद है, थैंक यू वंशी अली, कीप गोइंग ब्रो, थैंक यू, टेक हैंड्स, यू आर ऑसम। एन एस सबीर 135 जेट नंबर, माइलेज का जेट नंबर बोलो, माइलेज का तो उसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करके नहीं हूँ एक्चुअली, जो भी मैं गाड़ी बनाया था RX 100 को 135 कन्वर्ट करके, उसको 5-speed का गियरबॉक्स डाल के रेसिंग चला रहा था, माइलेज का तो मैं उसके वो बारे में सोच के नहीं था। सलाम वालेकुम, सलाम सोनू अली, प्रदीप कुमार आप इस अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ, हमारे जैसे लोगों को हेल्प हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो यूट्यूब चैनल पर बैठे हैं, सीखने और सिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बी मोर, कीप गोइंग, थैंक यू, वालेकुम सलाम भाई। मेरे यमाहा FZ16 रेगुलर सर्विस एंड ऑयल चेंज करवाते हुए, बट फिर भी थोड़ा राइड करने पे हीट मारती है, कैसे फिक्स हो करूँ ये प्रॉब्लम? ऑयल चेक करो, गलती से लोकल ऑयल इंजन के अंदर आ गया तो हीट मारती है, और स्पार्क प्लग चेक करो, एयर फिल्टर जो भी एयर फ्लो है वो चेक करो, और उसके हेड के ऊपर एक पंप आता है कूलर के लिए, हेड को ठंडा करने के लिए, वो लाइन चेक करो। व्हाट इज़ द करिश्मा मेन एंड पायलट जेट नंबर? याद नहीं है, टू बी हॉनेस्ट याद नहीं है, मैं देख के होना तो बोलता हूँ, मुझे फ़ोन सुबह करो 7022-915059। ये डिस्क्रिप्शन में नंबर देता हूँ, ये वीडियो के बाद डिलीट नहीं करता, जो भी आते हैं नंबर ले सकते हैं। व्हाट इज़ द करिश्मा? ओके, कैसे हो भाई जी, भाव जी? अच्छा अच्छा हूँ, देखो हेल्दी, बहुत अच्छा हूँ। ए एंड ए गैराज, NS का एयर फिल्टर कितना किलोमीटर में चेंज करना है? डिपेंड्स, कौन से एरिया पे रहते हैं आप, धूल मिट्टी रहने की जगह या साफ सुथरा रहने की जगह, कहाँ पर हैं वो बोलने से। इंटरवल टाइम होता है 5,000 या 10,000 किलोमीटर, मैं भी चेक करके 5,000 पे चेंज कर दूँ ना, आपकी गाड़ी भी अच्छी रहेगी। यमाहा अल्फा माइलेज 56 किलोमीटर शोरूम में दे रही है, सिटी पे चलाता हूँ बोले तो 40-45 आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द ट्यूनिंग। यू आर गोइंग वेल भाई, थैंक यू दिनेश आगते,
सुभाष सरदार, मैं होंडा यूनिकॉर्न 160 में अब तक कैस्ट्रॉल पावर 115W40 यूज़ कर रहा हूँ था, बट गाड़ी थोड़ा हीट होता है और आवाज़ करती है। ब्रांड चेंज करके कौन सा बेस्ट होगा? मिनरल ऑयल यूज़ करो। समझो कि अभी छोटा ऑयल के बारे में समझा देता हूँ। सिंथेटिक ऑयल, ये जो जो नॉर्मल गाड़ियाँ जो यूनिकॉर्न, करिज्मा, आर, जो ऐसे गाड़ियाँ हैवी इंजन रहते हैं उनके लिए सिंथेटिक ऑयल आके सूटेबल नहीं होता। बोले तो ज़्यादातर सिटी के अंदर चलाते हैं, बोले तो कहीं सिग्नल पे खड़े हो या कहीं दूसरी जगह खड़े हो या गाड़ी ऑन पे है, तुरंत हीट होती है। जब हीट होती है इंजन, ऑयल पतला होता है। जब जैसे ऑयल पतला होता है तब जाके आवाज़ करती है, इंजन की परफॉर्मेंस घटते घटते आ जाती है। तो मिनरल ऑयल ये हीटिंग को थोड़ा बहुत संभालती है। सिंथेटिक ऑयल तुम्हारा लिक्विड इंजन, लिक्विड कूल्ड इंजन बोले तो रेडिएटर कूलेंट जो यूज़ होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है ऑयल सिंथेटिक। नॉर्मली हमारे बाइक के लिए जो करिश्मा आर, R15, तुम्हारा जो जो भी 250, 180, 200 के कैटेगरी के गाड़ियों के लिए मिनरल ऑयल बेस्ट होता है। क्यों बोले तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस हूँ। मेरी गाड़ी में सिंथेटिक ऑयल एक बार यूज़ किया था, वो ऐसे ही 500 किलोमीटर में ही उनका ऑयल पूरा पतला हो गया, तो मैं चेंज कर दिया ऑयल। तो ऑयल के बारे में इतना सब। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन? अच्छा बताओ मुझे ये वीडियो क्वालिटी कैसा है, कोई तो भी। ओके ओके भाई, थैंक यू सो मच आताश पंचाल, यू आर वेलकम, बी योर सेल्फ। दिनेश आगते, थैंक यू। हीरो मेस्ट्रो 40 से ऊपर गया तो वाइब्रेट करती है, क्या प्रॉब्लम होता है? टायर चेक करो और उसकी जो तुम्हारा डिस्क आता है वो चेक करो, वो जो बेंड हो जाता है या टायर की बीडिंग अच्छी तरीके से नहीं बैठ के रहे तो गाड़ी वॉबल मारती है 30-40 किलोमीटर की ऊपर स्पीड होने पर ही वॉबल मारती है, हमेशा याद रखो। बी मोर संप्रीत फी, दिनेश आगते, टेक केयर, थैंक यू भाई। टेक हैंड्स भाई, यमहा पर भी वीडियो बनाओ, बहुत जल्दी बनाता हूँ। अभी तो गैराज का तो जनला चल रही है ना। एक्टिवा का एयर कंप्रेसर कैसे बनाना? ना एयर कंप्रेसर उसका एक डिवाइस मैं बनाना चाह रहा हूँ, बोले तो प्लग को आधा काट के जो साइकिल का जो पीएस चेक करने का जो डिवाइस आता है उसको कनेक्ट करके प्लग के थ्रू हम कंप्रेशन चेक कर सकते हैं। सॉरी बात बदल जा रहा है भाई। एक्टिवा का ऑयल चेंज कितना इंटरवल करना है? 2000 किलोमीटर। शेल मिनरल ऑयल, लूना TFR का पहले सेट करें। लूना TFR रिपेयर, मैं लूना TFR रिपेयर आपको एक थोड़ा बात करना चाहता हूँ। बहुत दिन से देख रहा हूँ आपका जो कमेंट्स वगैरह, मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ कि तुम्हारा जो नाम है लूना TFR रिपेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो जो नाम देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, थैंक यू वेरी मच। उसके बारे में तो मैं तो ठीक नहीं किया हूँ लूना TFR, सीख रहे ना, तुम्हें मुझे सिखाओ एक्टिवा का एयर कंप्रेशन कैसे सीख। अच्छा ज़रूर, क्या ज़रा बोलना वंशी, क्या बोलो ना। हाँ बोल दिया ना। विच ऑयल इज बेस्ट फॉर यमहा अल्फा? शेल सिंथेटिक नहीं, मिनरल ऑयल। आवाज़ करता है लूना TFR, आवाज़ करता है, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है लूना TFR आवाज़ करेगा तो। सॉरी आई लव यू बट प्लीज़ TFR के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं है। ब्रो रिव्यू FZ V2 फ्यूल इंजेक्टेड मॉडल, ओके आई ट्राई माई बेस्ट माय डियर सर। हु आर यू या हाउ आर यू? आई एम फाइन, बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू भाई। विवियन कृतिश, अच्छा है, थैंक यू, थैंक्स भाई।
थैंक यू. आई थिंक यमा अल्फा एंड फैसिनो माइलेज सेम सेम सेम. राइडिंग के ऊपर जाता है. देखो हर एक गाड़ी जैसे आप तुम थ्रॉटल यूज़ करते हो, जैसे उसको खाना खिलाते हो बोले तो फ्यूल, इसके ऊपर पूरा रहता है. तुम सोच समझ के चलाना पड़ता है. उसका एक मेथड है, आइडिया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में या कभी बता देता हूँ. आई थिंक यमा अल्फा एंड फैसिनो सेम सेम. थैंक्स थैंक्स बाय थैंक्स. ലൈവ് മലയാളം എന്തായി, എങ്ങനെയുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, സുഖമാണോ, റിപ്ലൈ പ്ലീസ്. മേരെ പാസ് ഹൈ ലൂന ടി എഫ് ആർ ഇസ്ലിയേ ഭായ്. ഐ ലവ് യു ലൂന ടി എഫ് ആർ. അച്ഛാ മൈ ബോ ബോ ട്രൈ കർത്ത ഹൂ ആപ്കേ ലിയേ ലേക്കിൻ ആജ് നീ. ഐ ഡോണ്ട് റീഡ് മലയാളം. ഐ കെൻ ടാക്ക് ആൻഡ് സ്പീക്ക്. I can speak, but I don't read Malayalam. Narendra Ika, how are you, my brother? Hi, Yamaha RX 100 मुझे मिल रहा है चालू हालत में. कितना में ले सकती, लेना चाहिए? अच्छा रनिंग कंडीशन है बोले तो 25,000 दो. अगर ज़्यादा बार्गेन कर रहे हैं तुम बोले तो 1-2,000 मिलाओ. 30,000 के अंदर ख़त्म कर दो, उसके ऊपर नहीं जाना. टेक हैंड्स अलीम भाई. आई एम यमाहा लवर, आई एम मॉडिफाइड. तुम मुझे बोल रहे हैं या दूसरों को? अच्छा होंडा एक्टिवा का एयर कॉर्पोरेशन प्रॉब्लम, RX 135 का जेट. RX 135 झटके दे रही है, उसका क्या प्रॉब्लम? उसका रीड वॉल चेक करो एक बार. आई लव यू टू भाई, आई लव यू. सर मेरे बजाज ये 25 लोग के ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? सर मेरे बजाज डिस्कवर 150F में, एक मिनट, 5A का बैटरी लगा है क्यों? एक मिनट, नाइन ए का बैटरी लगा सकते हैं या फिर चार्जर भी चेंज करना पड़ता है? थोड़ा फर्क से थोड़ा फर्क होता है चार्ज होने पर, लेकिन लग सकता है. जो लास्ट टाइम NS आई थी, जो बजाज पल्सर NS, उसमें 9 का ही था बैटरी. कितना सेल्फ मारो बैटरी ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन चार्ज भी हो रही है. हेलो सर. करिश्मा लवर या माय ब्रदर राजेश, सलाम भाई, कैसे हो? अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. भाई आपका नंबर क्या पूछ रहे हैं? नंबर आप भाई, आपको कोई भाई, आप कोई ही भोला मैं. अच्छा अच्छा ठीक है नो प्रॉब्लम. भाई आप यमाहा का फैन हो या होंडा का? आई एम ए यमाहा फैन बॉय. मेरे को यमाहा गाड़ियां बहुत पसंद आती हैं, ब्रांड भी अच्छा है. मेरा इधर दुखने लग रहा, कैमरा इधर है तो एक मिनट. एक्टिवा का व्हील वाली न्यू बाइक का नाम या नाम क्या है? पता नहीं. लूना टी एफ आर. माई अल्फा इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग इन दी रिले किट किट साउंड. बैटरी लो होके रहेगा. थैंक यू सर फॉर रिप्लाई. कार्टून वर्ल्ड, थैंक यू वेरी मच एंड यू आर वेलकम. तीस पर एक, प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि आ सके कोई अंदर हमारे तुम्हारे जैसा प्यारे लोग. और इसके बारे में था आज रिव्यू, लाइट वाला अंधेरे में यूज़ करने के लिए. मैं अपनी गाड़ी के लिए लिया था, टूल्स के लिए. नेक्स्ट वीक या उधरवार 10 दिन बाद या राइड पे जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ. तो ये बहुत यूज़फुल हो जाएगा लाइट वाला, जो अंधेरे में हम यूज़ कर सकते हैं. नितिन खंदबले, एक मिनट. अच्छा ब्रो, यू डू गुड वर्क एंड गिविंग गुड इन्फॉर्मेशन. थैंक यू सूरज. सोनू विश्वनाथ, तुम्हारा नंबर क्यों डाल के रखे हैं चैनल पे? थैंक्स, आपने मुझे मेरे स्प्लेंडर का ऑयल लीकेज इश्यू सॉल्व
करने के लिए बहुत हेल्प किया. थैंक यू, यू आर वेलकम. अशोक चौधरी, हु आर यू सर? आई एम मोहम्मद अली. या तुम हाउ आर यू पूछे या हु आर यू? लव फ्रॉम बैंगलोर. अच्छा, लाइव चैट पे लव फ्रॉम मैसूर. पक्का मैसूरियन. RX-135 कार्बोरेटर क्लीन करने से झटके देना, झटके देने बंद हो जाएगा. समझ में नहीं आया तुम क्या पूछ रहे हैं. 32 पीपल्स, 10 लाइक्स, 25 मिनट्स. मैं हर हाल में ये इस वीडियो को मैं डिलीट करना नहीं चाहता. बहुत सारे लोग डिलीट कर देते हैं, बोले तो अपना डेटा सेव करने के लिए, क्या मालूम डिलीट कर देते हैं. ये लिस्ट पे रहेगा, कोई भी आके देख सकते हैं और इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. आई एम गुजराती बॉय. अच्छा, लूना TFR रिपेयर. नॉर्थ इंडिया के बहुत सॉलिड होते हैं. क्वेश्चन पूछो. मेरे RX-135 झटके, मेरा RX-135 झटके दे रही है, क्या करूं भैया? आपसे पूछा. अच्छा, क्लीनिंग करना. बस क्लीनिंग का तो हमारे पास लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, ऐसा क्लीन कर लो. उसके बाद 180x2 RX के लिए, या तो तीन बार घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो ट्यूनिंग सेट हो जाएगी. देखा, यू हैव एग्जॉस्टेड 50% ऑफ योर 1.5 GB डेली हाई स्पीड इंटरनेट. ओके, नो प्रॉब्लम, इसको ख़त्म करते हैं. 2 GB है अभी. हाफ बोले तो 1 GB ख़त्म हो गया है, बोले तो 27 मिनट्स इंटू टू. क्या करें, ख़त्म करें या बंद करें? लव फ्रॉम मैसूर, संप्रीत फी. आपका जवानी का क्या राज है? कुछ राज नहीं है. तुम्हारी तरह डेली खाता हूँ पीता हूँ, लेकिन 3 टाइम नहीं खाता, 2 टाइम ही खाता हूँ, लेकिन बाहर कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ. आपका जवानी का क्या राज है? पल्सर 150 बाइक बहुत गर्म हो रही है, कुछ सोल्यूशन बताओ. भैया, हेलो, वीट लग रहे. एंग, ஆமாம், ஆ சரி, ஒரு லைவில் இருக்கிற ஒரு 5 நிமிஷம் வந்துட்டேன், 10 நிமிஷமா. ஓகே, ஆஜ் கே காஃபி ஏ ரிவ்யூ கரனா, இக்கே பாரே கமெண்ட் கரெக்டே பத்தோ. இஸ் வீடியோ ஷேர் கரனா கரோ. லம்பா ஹை 30 மினிட்ஸ், கோய் தேகேகா யா நீ மாலூம் நீ, லேக்கின் தேக்லோ. ஏ லிஸ்ட் பே ரேகா, लाइव लिस्ट पे तुम चेक कर लो और एक बार. ओके भाई, थैंक्स. ओके, जो भी इधर बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच शेयर करने के लिए अपना टाइम मेरे साथ. सब लोगों की तरह मैं प्रिपेयर नहीं हो के आता लाइव पे, कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाती है ऐसा सोच के आता हूँ. जो भी लाइव आके हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. Okay, and I'll see you next video. Thank you for watching. Ciao.